मौलाना असद मदनी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि बाबरी मस्जिद वो थी, गलत डिसीजन राम जन्मभूमि के पक्ष में आया, इसके नाते देश के प्रधानमंत्री जी को उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं जाना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, मौलाना मदनी जी का बयान निंदनीय है। जो मौलाना मदनी जिस प्रकार से, इनका कहना प्रधानमंत्री जी के लिए, राम जन्मभूमि के लिए दुखद है, निंदनीय है, क्योंकि जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय डे टू डे फैसला के बाद वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सम्मत, उसके बाद सर्वे सर्वेक्षण खुदाई, उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया और उस कोर्ट के आदेश का अवहेलना करना यह माना जाएगा, तो मौलाना मदनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना महमूद हसन मदनी को ये अधिकार किसने दिया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किस धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए और किस धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। भारत का राष्ट्र मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में तीव्र गति से चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी 2019 में भी उसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रखा गया था। संपूर्ण सनातनी जो जिसकी 100 करोड़ मेजोरिटी है जिस भारत में, और जो भारत संपूर्ण सनातनियों का है, वो सनातनी चाहता है कि प्रधानमंत्री जी अयोध्या पुनः आएँ और 2024 में 22 जनवरी को जो प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन होना है वो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो। लेकिन मौलाना असद मदनी साहब जैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी भारत में भूमिका क्या है? क्या देश विरोधी गतिविधि करना, देश विरोधी नारे लगवाना और भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय की न्याय प्रणाली व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना आप लोगों का काम है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय से जो फैसला बाबरी अवैध रूप से निर्माणाधीन बाबरी मस्जिद पर आया था, जहां प्रभु श्री राम का जन्मस्थली था और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर आज भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के जजमेंट के बाद, और उस पर चैलेंज करने का काम मौलाना मोहम्मद असद मदनी साहब जैसे लोग कर रहे हैं, यदि तो इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय है और सर्वोच्चतम न्यायालय के जजमेंट को चैलेंज करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।